Balls. अब कहाँ शिवाजी? न्यूयॉर्क। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं। जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो। मटेरियल रिसीव्ड। हैंड ओवर द मनी टू द कंसर्न पार्टी। आइडेंटिटी 1000 रुपीज इंडियन करेंसी। सीरियल नंबर 5BD714592। फ्रेंड्स, ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे। थैंक यू। हाय, आई एम शिवाजी बड़ी। कूल। हाय शिव, यू गॉट अ मेल। वाओ, हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, वाइटर देन वाइट। इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। काले पैसों को तो हमने वाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को वाइट करना पड़ेगा ना। क्या मतलब शिवाजी? अरेस्ट होकर जेल में जाएंगे तो अंदर तो सभी वाइट होंगे ना। हेलो, इनकम टैक्स ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन विंग को दीजिए। जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ डंडा घुसाएगा शिवाजी। सर, मेरे पास आदिशेषन आनंदम समेत कई लोगों की ब्लैक मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं। आपको रेड करने में आसानी होगी। इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए। ओह यस, अभी भिजवाता हूँ। सर, सर, सर। कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या है, बोलो। माफ कर दीजिए सर, ये लोग। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सॉरी सर, वी आर फ्रॉम सीबीआई। अबे तेरी सीबीआई, सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा। ए वेलो, मनी। आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है। इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं। मुझे पता है शिवाजी, उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है, उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया, जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। आयकर विभाग एवं सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मारकर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है। कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तुम अंदर जाकर क्या करोगे आदि? पत्थर तोड़ोगे? घास काटोगे? बर्तन मांजोगे?
मैं यहाँ के जेलर से कहकर किचन में रोटी बनाने का काम दिला दूं? ओहो, उसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है, करोगे? वही सलाखें गिनना। क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा, जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे, पलट कर वार तो करूंगा मैं। ए, ये वार करके तुझे जो मिला वो काफी नहीं है तेरे लिए? ए, मैं आदि हूँ, तेरी माँ की आरती उतारूंगा। दिल्ली वालों ने डंडा किया हुआ है, स्टेट लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। मैं कम इन। कौन है रे? बॉस। हेलो, कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? तुम लोग अंदर किसने आने दिया? रिश्वत जो दिया। हेलो मंत्री जी, एक जरूरी मीटिंग में है, आधे घंटे तक किसी को अंदर मत छोड़ना। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। त्याग पत्र तो नहीं है? शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग किसी सरकारी या रेसिडेंशियल जमीन पर नहीं बनी, लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर एक कुमार वैलू। नहीं करूं। दस्तखत करो। मिनिस्टर को चाकू दिखा रहे हो, तुम पागल हो क्या? 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे। छुरी अंदर रखो वरना। अरे ये क्या किया तुम लोग? सचमुच घुसा दिया रे। अरे तुम क्या मजाक समझे थे? खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। साइन करो। साइन करोगे? साइन या केबल काट दूं सारे? करता हूं, करता हूं। डॉक्टर, आपको अंदर बुलाया है, जाइए सर। टीएस करने का टाइम है क्या ये? सोचा धमकी दे रहा है मुझे, साले ने सचमुच घुसा दिया। डॉक्टर ये जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। इस बार तो सील दिया है, बाहर मुंह खोला तो अगली बार सारे केबल काट दूंगा, समझे? इसका ख्याल रखना। सबको नमस्कार। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप खेती करें और गांव में हरियाली लाएं। अगर इन बातों पर अमल किया तो एक साल में आपका ये गांव कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इस जमीन पर किससे पूछकर तुम ये प्लान बना रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, टांग अड़ाने के लिए सारे चले आएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन रेडी है, साइन करो, अपने चार्जेस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग गाँव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए आइए आइए, खाने के लिए सभी आइए, ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलिए।
यहाँ प्ले ग्राउंड, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ पर पार्क और उसके पास टॉयलेट, और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तहसीलदार प्रेजेंट सर। सरपंच प्रेजेंट सर। मेरे लिए के फैसला होगा। पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की देंगे। सबकी बेल कराते कराते मुश्किल हो गई। जितना भी ब्लैक का पैसा था सब गया। इलेक्शन आ गए तो किसी के पास एक ढेला नहीं है। वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवा कर चला जाता। आपने खाम खा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे। जहां तहां कॉलेज खोलता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं, पानी आता जा रहा है। किसी मंत्रिमंडल की तरह हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम रखकर वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। कल को वो सीएम बन जाएगा। दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं। ए वेलो, उड़ा दो उसको। उड़ाने वाले सब लोग उसी के पास हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते, एक एक पैसे का उसने ऐसा हिसाब रखा है, कोई लूपहोल ही नहीं है। कानूनन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऑफ कुछ करो उसका, गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। उसके हाथ में ऑफिस रूम है, लोगों को ठोक पीट के सीधा बना देता है। वो जनता की भलाई करता है तो जनता भी उसके साथ है, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए, इधर की चीज उधर जाती तो है। फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो निकलना भी बंद। तब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका वीक पॉइंट क्या है? नव दंपति के लिए हजार हजार शुभकामनाओं सहित हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार। जीते रहो। जीते रहो। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, फिर भी एक बार तिरुवाला रुजाकर शनि भगवान की शनि प्रीति पूजा कर लो, उग्रता कम हो जाएगी। ए, क्या हुआ? सुहागरात वाले दिन मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? ज्योतिषी की बात सुनकर मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे चलते जल तिरुमल जाना है। ओहो, उसी बात पर अटकी हो अभी तक। आज बड़ा खास दिन है, ये दिन तो हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए। बोलो कैसे मनाएं? मुझे तो पसंद है आपका स्टाइल और एक्शन। ऐसा कुछ करेंगे क्या? ए! बस इतनी सी बात। प्रत्येक शनिवार को शनिचर भगवान को तिल्ली के तेल का दिया जलाकर दर्शन करने से आपके सारे दोषों का निवारण होगा। शनि भगवान को नल तीर्थ में अभ्यंग स्नान कराना अति उत्तम। सुनो, तुम विद्या भारती हो ना? जी हाँ। स्कूल में तुम्हारी हिंदी टीचर का नाम सीता लक्ष्मी था ना? हाँ था तो, मगर आपको कैसे पता? वो मेरी मौसी है, हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। उन्होंने तुम्हें देखा, तुमसे मिलना चाहती है। किधर? यहीं पर मंदिर के ऑफिस में। सुना है तुम बहुत अच्छा गांधी हो, तुम्हारे हस्बैंड अमेरिका रिटर्न है ना? हाँ। बैठो बैठो। घबराओ मत, बैठ रहे। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई?
बात सुनिए, आपको कैद नहीं कर रहे हैं, ना ही कस्टडी में लेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपको, चार पांच सवाल पूछेंगे बस। मिस्टर शिवाजी कितने बड़े बड़े जुर्म कर रहे हैं आपको पता है? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर पूरे राज्य में इतने कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सारे सही रास्ते से आए हैं। नहीं, ब्लैक मनी है, लोगों को डरा डरा कर छीना हुआ काला पैसा है, वो गवर्नमेंट को चकमा देकर अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं उसे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट, कस्टम्स और सारे डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये जानते हैं आप? कितने सारे आतंकवादी, मिनिस्टर, पैसे वाले लोग उनका खात्मा करने के लिए बेताब है, जानती हैं आप? पुलिस भी उनका इनकाउंटर करके उनको खत्म करना चाहती है। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही है। बताइए, ब्लैक मनी को उन्होंने फाइट में कैसे बदला? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। hey! ज्यादा भोलेपन की एक्टिंग मत कर, उसके साथ रहती है फिर भी कुछ नहीं जानती। हाँ, डोंट बी रूड। सर, आप इसे मेरे साथ भेजिए, मैं देखती हूँ। नो नो, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इस बेचारी ने क्या किया? देखिए मैडम, ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस है, सच बताएंगी तो अरेस्ट होकर कुछ ही समय में छूट जाएंगे, बाहर रहेंगे तो कोई भी उनको मार डालेगा, इसलिए क्या बेहतर है फैसला आप ही कर लीजिए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जाइए, सॉरी फॉर ट्रबल, अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। हे मामा, आज मेरी वाइफ के साथ डेट है, कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए अकेले आया हूँ, जो भी काम हो तुम संभाल लेना, ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाय, थैंक यू। ए, क्या हुआ, तुम रो रही हो? सीबीआई ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की थी, आप कोई गलत काम तो नहीं करते? मैं अच्छा काम करता हूँ। मुझे सच बताइए, हमारे बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। अरे मेरी जान, मैं और तुम कोई अलग है क्या? सुनो, हाय, आई एम शिवाजी बड़ी कूल। हाय शिव। जब देश का सारा काला पैसा खत्म हो जाएगा, मैं सब जनता को सौंपकर सरेंडर हो जाऊंगा। स्विच ऑफ मैन। लेट्स गेट अवे यार।
भारती, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं होगा, सो जाओ। वर के प्राण को खतरा है, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। आपने 40,000 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट करके भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में फेरा एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। नॉनसेंस। आपके पास एविडेंस कहाँ है? यह है आपका पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर। कौन कहता है यह मेरा है? इसे हम तक पहुंचाया आपकी वाइफ ने। की जान को कोई खतरा नहीं होगा ना? कुछ बात कीजिए। उनको कुछ नहीं होगा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी कभी अपने पति को पुलिस के हवाले करती है क्या? मुझे तो पहले हाँ। एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहेगा कोई उससे। उसने मेरी खातिर ऐसा किया है। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही करती। मैं वापस आऊं या शायद ना भी आऊं, इसका दिल कोई नहीं दुखाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। यही सही मौका है, उसे आज ही जेल में ठोक डालो वरना वो जुगाड़ करके बाहर आ जाएगा। ये नामुमकिन है सर। शिवाजी के वॉइस में बोले पासवर्ड से ही ये कंप्यूटर ओपन हो सकता है। किसी और तरह से ओपन करना चाहेंगे तो सारे सबूत एक साथ मिट जाएंगे। ऐसा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उसने बनाया। वेरी क्लेवर एल्गोरिथम। इसको ओपन किए बगैर हम शिवाजी का जुर्म कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। तो फिर उसको पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेकर उसकी हड्डी पसली तोड़कर ओपन करवाओ उससे। उसके बनाए हुए कॉलेज, हॉस्पिटल, मिल तो क्या, एक संडास तक नहीं बचना चाहिए। बयान लेकर उसे वही खत्म कर दो। कस्टडी में मारा तो खतरा है, हम फंस जाएंगे। तो फिर पूछताछ के बाद वापस जेल पहुंचाने के बहाने उसकी बॉडी को वैन में डाल दो और कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला।